ब्राउन ब्रेड ये कितना 30 ब्राउन ब्रेड 30 यहाँ पे लच्छा पराठा बन रहा है अभी कुछ मुंह के पोसे का चद भीतर पूरा मुंह के पोसे से निकाल देंगे ताले रख यहां पे कैसा मिलता है डोसा प्लेन डोसा विद सांभर गाइस एक मंदिर है अभी हम लोग जा रहे हैं मेन रोड की तरफ कोई कोई स्ट्रीट तो यहां पे रास्ते के दो तरफ ही पूरा होटल ही होटल है यहाँ पे ट्रेवल्स है ग्रोसरी शॉप और पकौड़ा का दुकान भी है तो हम लोग निकले अभी रूम से ऐसे घूमते घूमते और चावल भी राइस भी ख़त्म हो गया तो राइस भी लेंगे आटा चक्की यहाँ पे ब्रेड फैक्ट्री बाप रे बस देखो यहाँ का बस देखो पूरा लाइटिंग डीजे है बस डीजे वाला बस है येलो पेन है ना येलो केला और रेड केला भी है रेड केला तो गाइस मैंने अभी पूछा तो ये इस जगह का नाम है गांधी रोड तो गांधी रोड का मार्केट है ये पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा एरिया है गांधी रोड यहाँ पे होटल खाना खाने के लिए फास्ट फूड जूस कपड़े का दुकान ट्रैवल्स एजेंसी यहाँ पे सब मिल जाता है आजकल तो वेलोर भी धर्मताला का जैसा हो गया है छोटा धर्मताला 100 बोल रहा है 100 का माल सस्ते का माल सस्ते में बोल रहा है वो ब्राउन ब्रेड ये कितना 30 ब्राउन ब्रेड 30 अच्छा 30 ब्राउन ब्रेड आई कम दे राइस चलो 20 रुपए किलो चना 20 रुपए अभी केजी ब्राउन खाना ना पहिलो लगाएर बस यहाँ पे मम्मी का क्रीम क्रैकर मिल गया होइन त्यो जिरावाला त्यहाँ छ त अरू पनि छ हेर न त्यहाँ मच्छर ज्यादा है क्या तो गाइस हम लोग अभी मार्केट से वापस जा रहे हैं और मार्केट का नाम है गांधी रोड नहीं अभी नहीं अब घर पहुंच के बताएंगे गुड न्यूज भी है बैड न्यूज भी है पर रूम पे जाके आपको बताएंगे हां आपके साथ शेयर करेंगे ठीक है तब तक के लिए गाइस स्टे ट्यून्ड और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए यहाँ पे लच्छा पराठा बन रहा है डोसा का प्लेटर ये पूरा इडली का स्टीमर है और यहाँ पे मिस्टर टाइगर है बिजी है घंटा डोसा और वहाँ पे पैकिंग हो रहा है सो हमने डोसा ले लिया गाइस और देख रहे हैं वहाँ पे लच्छा पराठा कैसे बन रहा है तो ये है हमारा डोसा तो हम घर जाके हम लोग ट्राई करेंगे घंटा डोसा आज डोसा खाएंगे टेस्ट करेंगे यहाँ पे इडली बड़ा दाल बड़ा दाल बड़ा डोसा ट्राई करेंगे डोसा दाल बड़ा ये कल ट्राई किया था आज डोसा खाएंगे उल्टा पुल्टा ना फिर ना बेटी तुमको क्या चाहिए एंटा डोसा डोसा चलो आ गए रूम आ गए मेरा तमिल गलत है लेकिन मेरा हिंदी सही है हाँ। तो आज आपको एक गुड न्यूज सुनाना है और बैड न्यूज भी है तो पहले क्या बोले गुड न्यूज पहले नहीं नहीं पहले बैड न्यूज बोलते हैं चलो बैड न्यूज बोल दो क्योंकि उसके बाद फिर अच्छा अच्छा ही होना चाहिए ना चलो बैड न्यूज बोल दो हम गुड न्यूज बोल देंगे चलो बैड न्यूज ये है कि
मेरा लूसी, जैसे आपको पता है हमारा दो डॉगीज है, एक लूसी और एक रॉकी। तो लूसी प्रेग्नेंट थी तो हमने पहले एक ब्लॉग बनाया था लूसी के ऊपर। तो गाइस 3:30-4 के अंदर पापा का फोन आया खड़गपुर से, उन्होंने बोला कि लूसी ने डिलीवरी दे दिया है और उसका फर्स्ट बेबी था, बॉय था, एक बेबी बॉय, और वो बहुत ही बड़ा था, सबसे बड़ा था। तो हम लोग फिर उसके बाद हम लोग सो गए ये गुड न्यूज सुन के। फिर सुबह को जब पापा को कॉल आया फिर से, तो एक्चुअली हम लोग बहुत ही खुश थे कि बर्थ हो गया बोल के। तो जब पापा का फोन आया सुबह तो बोला कि एक बेबी मर गया है, बच्चा मर गया है। तो हम लोग के लिए वो थोड़ा सा शॉकिंग था, और शायद वो कारण था कि वो उसका फर्स्ट बर्थ था, बच्चा डिलीवरी फर्स्ट डिलीवरी दे रही थी वो, तो फर्स्ट टाइम था उसका डिलीवरी का। टोटल उसने 5 बेबीज को बर्थ दिया था, डिलीवरी किया था। तो सुबह पता चला हमें, और 4 बच्चा एकदम से स्वस्थ और एकदम अच्छे से थी। तो एक बच्चा जो था वो डेथ कर गया, तो वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा शॉकिंग था और बहुत ही अफसोस हो रहा है, क्योंकि वो फर्स्ट बेबी था और वो बेबी बॉय था, और वो सबसे मतलब सबसे थोड़ा बड़ा भी था और बहुत क्यूट लग रहा था। तो वीडियो कॉल में देखा तो बहुत ही बुरा लग रहा है अभी भी, तो अच्छा नहीं लग रहा था। बट एंड ऑफ द डे खुशखबरी भी है, और खुशखबरी बताएंगे मिस्टर टाइगर। टाइगर खुशखबरी क्या बताऊँ आप लोग को, सब कुछ तो ये बता दिया कि लूसी का बच्चा हो गया बोले, और क्या खुशखबरी बोले। नहीं मतलब बट 4 बेबीज बहुत ही स्वस्थ और मस्त है, बट 5 बेबीज में 2 मेल थे और 3 फीमेल थी, और एक मेल मर गया। मुझे कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं, रख दिया नहीं, अब क्या बोलूं। खुशखबरी क्या बोलूं, खुशखबरी क्या खुशखबरी बोलो। पर नहीं, लेकिन मैं दिन में बहुत बार उसको वीडियो कॉल कर रही हूँ पापा के थ्रू, और देख रही हूँ क्या कर रही है। वीडियो कॉल में चैट हो रहा है अभी भी पापा के साथ, अभी भी कॉल करने वाली हूँ मैं। जब वीडियो कॉल करेंगे हम तब आपको दिखाएंगे। सिर्फ वीडियो कॉल जब कोई बच्चा ध्यान ना, पूरा चैप्टर स्क्रीनशॉट लियो ना, स्क्रीनशॉट। ए बच्चा तो कोई खुश तान, अभी कुछ मुंह के पोसे के सदा भीतर पूरा मुंह के पोसे से निकाल देंगे तानेर। शायद वीडियो कॉलिंग उतना क्लियर नहीं हुआ होगा शायद, मुझे वैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब है और नेटवर्क इशू है। तुम डोसा खाओ, एक डोसा, एंटा डोसा, मसाला डोसा। बट हाँ कुछ बोलना है मुझे, नो चटनी नो आलू इन डोसा, प्लेन ही डोसा। खड़गपुर में आलू चटनी सांभर और डोसा सिर्फ प्लेन डोसा, नो मसाला। यहाँ पे प्लेन डोसा सिर्फ 20 रुपीस, 20 रुपीस है प्लेन डोसा, और हमारा चटनी आलू डोसा ओनली 25 रुपीस, ओनली 5 रुपीस। हम लोग को वहाँ पे मसाला सब कुछ दे के 25 रुपीस, यहाँ पे बहुत ही महंगा, टेस्टी इन आवर करक, यहाँ पे बहुत ही महंगा। दिखाओ इनको, दिखाओ यहाँ पे कैसा मिलता है डोसा, प्लेन डोसा विद सांबर गाइस, यहाँ पे बहुत ही महंगा। तो इसलिए आज का वीडियो इधर ही खत्म करेंगे, तो और मैं खाएंगा, हम लोग चलता है, आपसे फिर मुलाकात होगा मेरा अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आज का वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने का, और बाकी सब बढ़िया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून, डू व्हाटएवर लाइक, टेक केयर माय लवली फ्रेंड्स।